के न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद जिला राष्ट्रीय जनता दल ने भी किसान बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल पारित किया गया है, इससे किसान अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि सदन में सरकार धोखे से बिल को पारित किया है जो कि किसान विरोधी है। इस बिल से किसान को कई प्रकार के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा, इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार से राष्ट्रीय जनता दल की मांग की है, इस किसान बिल को वापस ले नहीं तो आज देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए हम लोग सिर्फ धरना पर बैठे हैं। अगर उस किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग बंदी बुलाए हैं क्या कुछ? आज हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और तमाम वामपंथी पार्टियों ने केंद्र सरकार द्वारा देश विरोधी, किसान विरोधी जो नीति, जो विधेयक पारित किया है, तमाम जनतांत्रिक तौर तरीका को ताक पर रखकर जब विरोधी सांसद विधेयक को खिलाफ कर रहे थे, उस समय इसी विरोधी नीति के साथ साथ श्रम विरोधी कानून पारित किया, जिसके तहत मालिक पक्षीय संशोधन के साथ साथ मजदूरों के हड़ताल करने का अधिकार पर अंकुश लगाया जा रहा है। आज पूरा देश केंद्र सरकार का ये गलत नीति के कारण आग से सुलग रहा है। हरियाणा, पंजाब और पूरा देश के विभिन्न जगह बंद हो रहे हैं। रेलवे पटरी पर हजारों लाखों किसान जनता जमी हुई है। हम धनबाद के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से सरकार की नीतियों के खिलाफ आज आंदोलन में है, सड़क जाम कार्यक्रम में है। इस तरीके से जन वितरण प्रणाली वगैरह तमाम अत्यावश्यक जो ये कानून है, वस्तु अधिनियम जो 1955 में बनाया गया था भारत की जनता को सस्ते दर पर राशन देने के लिए, वाजपेयी जी का सरकार ने 2002 में उस पर कटौती की, 12 द्रव्यों को हटा दिया गया और अभी नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने फिर तमाम व्यवस्था को ध्वस्त करने करके काला बाजारी जमाखोरी का हाथ में देने का जो फैसला किया है, उसके खिलाफ आज हम लोग रास्ते में है। हम आशा करते हैं आगे आने वाले दिनों में और व्यापक आंदोलन जनता के